हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जी गॉसिप टीवी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा की तरह हमारी वीडियोस का इंतजार कर रहे होंगे और वीडियोस को बहुत ही एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस रियलिटी शो रोडीज़ के बारे में। रोडीज़ के नए सीज़न के हम कन्फर्म 30 कंटेस्टेंट के बारे में जानेंगे कि कौन किस गैंग लीडर की टीम में है और वो किस बात के लिए फेमस है। इस बार का रोडीज पिछली बार की रोडीज से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि इस बार होस्ट और गैंग लीडर पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं गैंग लीडर गौतम गुलाटी के बारे में। जानते हैं कि गैंग लीडर गौतम गुलाटी के फाइनल टॉप 10 कंटेस्टेंट कौन है। हिमांशु अरोड़ा। हिमांशु अरोड़ा 21 साल के हैं, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। हिमांशु एक फैशन मॉडल और एथलीट हैं। हिमांशु ने अपनी पर्सनैलिटी से सबको इतने इंप्रेस किया कि खुद सोनू सूद ने हिमांशु की माँ को फ़ोन कर ये खुशखबरी दी कि हिमांशु रोडीज के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। पल्लवी यादव। पल्लवी यादव एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि फिटनेस पर वीडियो बनाती है और इसके अलावा ये एक्स स्पिट्स विलन वूमिस कॉल को भी डेट कर रही हैं। राजवीर डे। राजवीर डे एक मॉडल और एक्टर हैं जिनके लिए फिटनेस ही सब कुछ है और वो पिछले 4 साल से रोडीज का ऑडिशन दे रहे हैं और इस साल जाकर फाइनल वो सिलेक्ट हो गए और ऑडिशन में अपने सिली जोक्स की वजह से राजवीर आपको अच्छे से याद होंगे। निज़म। निज़म वैसे चेन्नई की रहने वाली है पर वो बचपन से ही मुंबई रह रही हैं और वो पेशे से एक रैपर हैं और ऑडिशन में अपने डार्क स्किन से अवेयरनेस फैलाने की बात से सभी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और फिटनेस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। पराक्रम टंडोना। पराक्रम एक फेमस MMA फाइटर हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऑडिशन देने आए थे। वो MMA की ट्रेनिंग भी देते हैं और अपना एक कैफ़े भी ओन करते हैं। पीहू शर्मा। पीहू शर्मा का ऑडिशन शायद ही कोई भूल सकता हो, वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आई जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया था। पीहू हरियाणा की रहने वाली है और वो पीछे से एक बॉक्सर है। दिग्विजय सिंह राठी। 23 साल के दिग्विजय चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, वो नेशनली शूटर हैं और वो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हैं। मालिका मोती रिवानी। मालिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं और जहां तक कि फुकरा इंसान भी इनको फॉलो करते हैं। हसन सिद्दीकी। नासिक के रहने वाले हसन ने ऑडिशन राउंड में अपने बिना हड्डी वाले मूव से सबको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया था। आपको बता दें कि 2019 में हसन रोडीज के टीवी राउंड से आउट हो गए थे और फाइनली अब जाकर वो सिलेक्ट हो गए हैं। रूपा सिंह। रूपा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और वो पेशे से एनिमल एक्टिविस्ट हैं और पिछले साल उन्होंने अपने भाई और पति के साथ मिलकर बहुत सारे 7,000 से ज़्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया। अब बात करते हैं गैंग लीडर रिया चक्रवर्ती के फाइनल टॉप 10 कंटेस्टेंट के बारे में। भूमिका विस्ट। भूमिका को आपने स्प्रिट्स बिला 13 में देखा होगा और वो अब अपनी दाकड़ पर्सनैलिटी दिखाने रोडीज में आ रही हैं। सचिन शर्मा। सचिन छोटे पर्दे के डांसर और कोरियोग्राफर हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर के साथ काम कर चुके हैं और 2018 में उन्होंने डांस इंडिया डांस के फर्स्ट रनर अप भी रह चुके हैं। नीरजा पुनिया। नीरजा कुछ साल पहले नीरज थी, वो अब पूरी तरह से लड़की बन चुकी हैं और वो रोडीज की सबसे पहली ट्रांसजेंडर वूमेन है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। शाइन सिद्दीकी। शाइन पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पर उन्होंने अपनी बहन की मौत के बाद पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया और उन्होंने हेल्थ को ही अपना पेशा बना लिया और अब वो लुक्स में इतना बदल चुके हैं कि वो आपको खुद नहीं पहचान सकते। तनु रावत। तनु को तो आज कौन है जो नहीं जानता होगा। तनु अपने माथे के तिलक से पहचानी जाती है और वो फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। शुभम चौधरी। शुभम बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकते और वो पहले रोडीज के कंटेस्टेंट होंगे जो सुन और बोल नहीं सकते। शुभम को रोडीज की तरफ से रोडीज सलूट भी मिला था। नायरा आहूजा। 25 साल की नायरा अपने माँ बाप का नाम रोशन करने रोडीज में आई हैं और वो इससे पहले 4-5 साल मुंबई में काम के लिए स्ट्रगल भी कर चुकी हैं। अभिरूप कदम। अभिरूप पेशे से एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूर हैं और वो मारा के नाम से एक NGO भी चलाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे इनके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मनप्रीत कौर। मनप्रीत की कहानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। 2013 में उनको किसने किडनैप कर अधमरी
हालत में सड़क पे छोड़ दिया था और किसी को उनके बचने की उम्मीद नहीं थी और वो बाद में ठीक हुई और उस आदमी को उम्र कैद की सजा करवाई। ऋषभ जायसवाल, ऋषभ को आपने लेटेस्ट स्प्लिट्सविला के सीजन 14 में देखा होगा और अब वो रिया की टीम में रोडीज में आ चुके हैं। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, प्रिंस नरूला के भी टॉप 10 कंटेस्टेंट की लिस्ट को जान लेते हैं। थाराबाई जोगेंद्र, इनको आपने अपनी लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इनके यूट्यूब पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर हैं। लेखा जमौलिकर, लेखा अपने बॉयफ्रेंड प्राकरम के साथ ऑडिशन देने आई थी और जे भी एक MMA फाइटर है और इनका पहले डिवोर्स हो चुका है क्योंकि इनके एक्स हस्बैंड ने इनके मायके में फाइनेंशियली हेल्प करने से मना कर दिया था। गैरी लू, गैरी को तो स्प्लिट्सविला फैंस अच्छे से जानते होंगे, इनकी डार्कर पर्सनैलिटी को कौन बोल सकता है। इन्होंने स्प्लिट्सविला 13 किया और अब जे आ रहे हैं रोडीज में अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने। पैरी शीतल, पैरी एक डांसर और कोरियोग्राफर है, इनके इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर हैं। ये इंस्टाग्राम पे अपनी डांसिंग वीडियो डालती रहती हैं। इनको अपनी गैंग में लेने के लिए प्रिंस सभी से लड़ पड़े थे। श्वेत तोमर, श्वेत एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको सभी अपने गैंग में लेने के लिए लड़ पड़े थे। श्वेत अपने पास्ट में बैटिंग पे काफ़ी पैसा लगा चुके हैं पर नेचर वाइज काफ़ी स्वीट हैं। प्रियंका चौधरी उर्फ बदतमीज पांडा, जिन्होंने अपनी बातों से सभी को हंसाया और वो भी सबको एंटरटेन करने प्रिंस के गैंग में आ रही हैं। वाशु जैन, बिलासपुर के रहने वाले 22 साल के वाशु ने भी अपनी पर्सनैलिटी से सभी गैंग लीडर को बहुत ही इम्प्रेस किया और सभी गैंग लीडर आपस में लड़ने लगे कि वो किसकी गैंग में जाएगा, पर उन्होंने अपने फेवरेट प्रिंस को ही चुना। शिखा सुरवे, आशिका मल्लम में नेशनल प्लेयर है और वो जर्मनी में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। प्रेम शीलू, जो कि फिजिकल तो इतने स्ट्रांग नहीं है पर उनकी लाइफ में कुछ कर दिखाने के जुनून को सभी ने काफ़ी पसंद किया। प्रेम शीलू कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और उनके लगभग 1 मिलियन फॉलोवर हैं। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता पीहू शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड है और ऑडिशन में उसे देखकर सभी को ऐसा लगा कि वो एक ऐसी लड़की है जो कभी भी किसी का सुनना पसंद नहीं करती, इसलिए किसी भी गैंग लीडर ने उसको नहीं चुना, पर फिर भी सोनू सूद ने उसे जर्नी का हिस्सा बना लिया। तो आप आने वाले रोडीज की सीजन के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और किस गैंग लीडर की टीम आपको सबसे अच्छी लगी हमें ये भी लिखकर जरूर बताइए।